गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय हो रहा है और अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दुकान पे। अभी करीब सुबह के 7 बज रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। गर्मी के टाइम में ये 6 बजे जाते थे, लेकिन अभी ठंड का मौसम आ गया है तो अभी 7 बजे जाते हैं। थोड़ा लेट उठते हैं इस कारण से, और अभी भी धूप नहीं निकली है, थोड़ा टाइम के बाद ही धूप निकलती है। तो अभी ये गाड़ी निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर जाएंगे। और ये देखिए हस्बैंड जा रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। ये सामने वाले भैया हैं, अपना सिलेंडर शायद भरवाने के लिए ले जा रहे हैं, और हस्बैंड तो चले गए हैं। और आसपास का एरिया देखिए कुछ इस तरह का है, नीचे से इस तरह दिखता है, छत से तो मैं दिखाई हूँ आप सभी को। तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड चले गए हैं दुकान पे और मैं जा रही हूँ ऊपर काम करने। और ये नीचे वालों का कमरा है, जो नीचे फैमिली रहती है उनका, उन लोग अभी है नहीं, शादी में गए हुए हैं तो कुछ दिन के बाद आएंगे। और यहाँ बेटे का साइकिल रखा हुआ है, अभी तो नहीं चला रहा है, अभी ऐसे यहाँ रखा हुआ उसका। और यहाँ खिड़की लगी हुई है कांच वाली, तो देखिए सभी चीज़ें दिखती हैं। कबूतर टहल रहा है और बच्चे भी सोए हुए हैं मेरे, थोड़ा लेट ही उठते हैं, ठंड है तो उसे ज़्यादा जल्दी नहीं उठाती मैं। और इस कमरे में सोए हुए हैं, अरे ये लोग तो गायब है यहाँ से। देखिए ऐसा का डक्की, वो लेकर सोती है अपने डक्की को। देखिए इसका स्वेटर भी यही लगता है, उस कमरे में चले गए हैं बोलो। और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, लगता है इस कमरे में आ गए। देखिए यहाँ पहुँचे हुए हैं दोनों भाई बहन। ओए ये देखिए, मतलब हम लोग नीचे गए हैं और ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। कब जागी थी? परसों। ये देखिए परसों से जागी हुई है और आ जाइए इस कमरे में। इसका मतलब इसके पापा जाने के पहले ये लोग जागे हुए थे, पापा का डर से कंबल से नहीं निकल रही थी ना। कह रही है अभी मत निकलना, ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और अभी मेरा कमरा तो बिखरा पड़ा है, अभी मैं सभी काम को करूँगी, अभी कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत काम ही किया था मॉर्निंग वाला, जैसे झाड़ू लगाना और भी जो थोड़ा बहुत होते हैं काम वो सब। और अभी नाश्ता वास्ता बनाना बाकी है। और इधर कपड़े वगैरह लगा दिए मैंने थोड़े बहुत, ये देखिए, तो बाद में आपको दिखाती हूँ, अभी तो फैला पड़ा है, क्या दिखाऊँ। नमस्ते बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी तो नहीं बोलती है एक दिन भी गुड मॉर्निंग, ये भूल जाती है। अभी टीवी इन लोगों का सेट नहीं हुआ है, देखिए उधर रखा हुआ कटन में। अब मेरा टूटा वाला ट्राईपॉड भी रखा हुआ है, उसको मैं संभाल के रखी हूँ, वो बनाती तो नहीं उससे वीडियो, क्योंकि टूट गया है पूरा वो, तो धीरे धीरे बनाऊँगी उसको अच्छे से। अभी नहीं हो पा रहा है, एक बार मैंने चिपकाया था लेकिन फिर से टूट गया। कंबल में रहो, बहुत ठंड है। वो तो ये स्वेटर पहन कर आई है, वो स्वेटर वहीं छोड़ कर आया है। अच्छा ठीक है, अभी मत निकलना ना, ठंड है बहुत ज़्यादा। और मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का समय हो रहा है और अभी मैं अपना सारा काम खत्म करके आ गई हूँ रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी ना, उसके बाद फिर बाकी के जो काम बचे हैं उनको करूँगी। वैसे सुबह का तो सारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना घर में बहुत सारा काम होता है, घर का काम कभी खत्म नहीं होता है, तो सेम वही हाल मेरे घर का भी है, सारा दिन काम काम ही रहता है। और जब से शिफ्ट हुई हूँ ना यहाँ पे, तब से तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब सुबह का काम मेरा दोपहर में ख़त्म हो रहा है और आज भी वही हुआ है, आज भी दोपहर हो गई काम करते करते, तो पता नहीं कब मेरा पहले जैसा रूटीन हो पाएगा। रूटीन भी पूरा चेंज हो गया है मेरा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले जैसा रूटीन होने में। और आज मौसम थोड़ा ठंडा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने बच्चों को नीचे ही रखा हुआ है, छत पर नहीं जाने दिया है। तो देखिए दोनों भाई बहन इधर कंबल में घुसे हुए हैं, निकलूँ? तो दोनों भाई बहन कंबल में घुसे हुए हैं ठंड के मारे, और छत पे जाने के लिए परेशान है लेकिन मैं जाने नहीं दे रही हूँ। ये देखिए एक निकल गया, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, एक अंदर से कह रही हेलो फ्रेंड्स। तो जाने की तो परेशान है छत पे, लेकिन मैं ही जाने नहीं दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जब धूप निकलेगा ना तब जाना आराम से।
और इसके पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो खाना खा लिए हैं वो। अभी वो छत पे गए हुए हैं, धूप तो है नहीं फिर भी गए हैं, बोले थोड़ी देर के लिए जाता हूँ फिर आता हूँ नीचे, तो अभी गए हैं वो टहलने के लिए। और ये लोग भी उसी लिए परेशान है, पापा गए तो हम भी जाएंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना जब धूप निकलेगा तब जाना तुम लोग, और थोड़ी देर में फिर वो चले जाएंगे दुकान पे, काम पे जाना जरूरी है, और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, जब धूप निकलेगा तो फिर मैं इनको ले जाऊँगी। और देखिए अभी हस्बैंड खाना खाकर जा रहे हैं दुकान पे, और ये खाना घर पे ही आके खाते हैं, लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि दुकान सामने ही पड़ता है, तो घर पे ही आ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं। और जिस दिन काम ज़्यादा होता है, टाइम नहीं होता है घर आने का, तो फिर खाना उस दिन लेकर जाते हैं या तो किसी को भेज देते हैं लेने के लिए। तो अभी देखिए खाना खाकर तो चले गए हैं हस्बैंड, और इधर देखिए ट्रक पे सामान लोड हो रहा है, इस पे ना जो कचड़ी चिप्स ये सब होता है ना वही सब लोड हो रहा है। तो जो सामने वाला घर दिख रहा है ना आपको, तो इसी घर में शायद ये रखा जाता है, लोग हो सकता है सेल करते होंगे, मुझे अभी उतना पता नहीं है, मैं तो अभी नहीं आई हूँ, तो इसी घर से निकाला जा रहा है। ये देखिए बहुत सारा है। और ये देखिए ये हमारा बालकनी है, तो बालकनी भी अच्छा बड़ा है। और अब मैं चलती हूँ अंदर, अपन वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े ले जाने के लिए, अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और मैं कपड़े ले जाने आई हूँ, लेकिन आज मेरा कोई भी कपड़ा नहीं सूखा है, सारे सारे कपड़े गीले पड़े हैं क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब था और धूप बिल्कुल नहीं निकली थी आज, और साथ में बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी। ये देख लीजिए मेरे पीछे आपको फ्लोर पूरा भीगा भीगा सा नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और बारिश होने के कारण मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ कपड़े ले जाने के लिए। तो एक दो कपड़े तो ले जाऊँगी हस्बैंड वाले, बाकी कपड़े नहीं ले जाऊँगी, जिससे हस्बैंड का बनियान वगैरह ये सब ले जाना पड़ेगा, नीचे ले जाकर रख दूँगी ना तो फिर सूख जाएगा वो, अगर ऊपर छोड़ दूँगी तो फिर गीला ही रह जाएगा। और यहाँ मैं आप सभी से बातें कर रही थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ का आवाज़ म्यूट करना पड़ा क्योंकि बगल में गाना बज रहा था, जो आपको बगल वाला घर दिख रहा है ना उसमें गाना बज रहा था, तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। तो अब मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ और अपना वीडियो बने रहिए। मेरे सभी कपड़े गीले हैं इसलिए मैं सभी कपड़ों को नीचे नहीं ले जाऊंगी, बस हस्बैंड के बनियान वगैरह ले लेती हूँ, और इनको नीचे ले जाकर रख दूंगी ना तो फिर वो सूख जाएंगे क्योंकि सुबह उनको पहनना होता है, तो मैं वो भी उठा लेती हूँ। और देखिए मैं हस्बैंड के बनियान वगैरह उठा ली हूँ, और बाकी कपड़ों को मैं ये छोड़ दे रही हूँ, तो ये मैं बोल रही थी लेकिन आवाज़ म्यूट करना पड़ा है, गाना बज रहा था इस कारण से। और देखिए आयशा भी आ गई थी मेरे पीछे पीछे, तो इसको मैं बोल रही हूँ नीचे चलने के लिए क्योंकि ऊपर वो ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी अंधेरा होने लगा है हल्का हल्का, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं अपने दुकान पर से, और मौसम भी आज अच्छा नहीं था तो जल्दी आ गए थोड़े, और अंधेरा तो मौसम ख़राब है इसलिए जल्दी हो रहा है, नहीं तो कुछ देर के बाद अंधेरा होता है, आज थोड़ा जल्दी अंधेरा हो गया है। और इधर देखिए उनको नाश्ता चल रहा है शाम का, मैं खुद दिखाती हूँ, ये देखिए। हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आइए मूँगफली खाइए, मूँगफली का नाश्ता चल रहा है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मूँगफली का नाश्ता हो रहा है, आ जाइए फ्रेंड, आपको भी बुला रहे हैं। और इधर आयशा भी बैठकर खा रही है, और आयुष गया है दूध लाने के लिए नीचे दुकान से, तो फिर चाय बनाएंगे हम लोग, आज मौसम भी ज़्यादा ठंडा है ना जी, बारिश हो रही है। हाँ बारिश तो दिखाई हूँ, बारिश हो रही है, आज दिन भर धूप निकला ही नहीं। ऐसा मिर्ची भी खा लो थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, ए नहीं नहीं रख दो रख दो, तीखा लगे रखो मत खाओ, मजाक मजाक में फिर रोज आएगी। नहीं रोती, मैंने मैंने चावल की मिर्ची खा रखी है। अच्छा आज से ठंड बढ़ गया है, देख लीजिए घूम के आया मैं, कपड़े पोछा हूँ, बारिश हो रही थी, ठंड और बढ़ जाएगा, आज तो ठंड लग ही रहा है और ज्यादा बढ़ जाएगा। दुकान पर भी काम धाम नहीं था इसलिए जल्दी चला है।
बारिश में क्या काम होगा, खोला दुकान है तो। दुकान की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अच्छे से चल भी नहीं पा रही है दुकान, थोड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को, तो देखिए अभी कैसे चलता है। दीपावली बाद तो ऐसे भी 1-1.5 महीने डाउन रहता है काम। और आयुष गया अभी दूध लाने के लिए, दूध लेकर आएगा, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। वो भी नाश्ता ही कर रहा था, फिर मैंने बोला उसको चलो दूध लेकर आ जाओ, पहले यहीं पे दुकान है पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो लेकर आ जाएगा। और फ्रेंड्स अभी आयुष दूध लेकर आ गया है, ये देखिए बैठा हुआ है, आकर कम्बल में घुस गया है, ठंड हो रही है ज़्यादा इस कारण से, उसका भी हालत ख़राब हो गया जब नीचे गया तो, और अंदर तो ना ज़्यादा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, और ये तो खाने में लगे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोलिए अदरक डाल अदरक डाल वो अदरक डाल के तो चाय बनाऊंगी, तेज पत्ती डाल के। हाँ मुझे भी ना तेज पत्ती वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है चाय, मतलब कम पत्ती डाली रहती है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ठंड ज्यादा हो रहा है। कड़क चाय मुझे बहुत पसंद है। और कुछ चाहिए? डिनर बनाओ आप, क्या चाहिए? डिनर चाय पियेंगे उसके बाद बनाएंगे। और आयुष उधर घुसा हुआ है कम्बल में, आयुषा तो दिख भी नहीं रही है, कहाँ है आयुषा बाबू, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो अब तो मैं ज़्यादा ब्लॉग बना भी नहीं पाऊंगी, तो इस कारण से मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बोलो बाय बाय बाय।